विष्णु जी का रियल दिल। यहाँ पे देख सकते हैं कैसा रूम बना कर धरा है, सब इसको पैक करना पड़ेगा, उसके बाद ही चेकआउट करेंगे। चेकआउट करने के लिए सुबह ही 6 बजे से आ जा रहा है। चेकआउट कीजिए। इतना बजे तो कोई चेकआउट करवे नहीं करता यार, 10 बजे से पहले। इतना सुबह सुबह तेरे क्रोम में कुछ है क्या? हाँ? मेरे पीछे सब पैकिंग करते हैं। मेरा कल देखिए जितना का हालत किया, पूरा बर्बाद जूता का हालत। कल बीच पे सुबह सुबह नहा कर जूता साफ कर रहा है। मेरा बैग सैग सब रेडी हो चुका है, चार बजे निकलते हैं, उसके बाद नीचे चलते हैं। और नीचे चलते हैं तो आपको एक चीज़ बताते हैं होटल के बारे में, क्या है देखते हैं आगे गाड़ी के पास। क्योंकि हम लोग को पता नहीं था सुबह 6 बजे से चेकआउट कीजिए बोलने लगा। हम लोग को पता रहता है कि 10 बजे चेकआउट करना होता है, यहाँ पे 6 बजे से स्टार्ट हो जा रहा है आदमी। इसलिए कभी भी होटल में आइएगा तो पूछ लीजिएगा चेकआउट कब करना है। स्वागत करते हैं, देख सकते हैं मेरा बसंत यहाँ पे है और हेलो फ्रेंड। हम लोग यहाँ पे चेकआउट कर लिए और हम लोग जा रहे हैं गाड़ी का पूजा कराएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे जगन्नाथपुरी टेम्पल, क्योंकि वहाँ पे जगन्नाथपुरी टेम्पल हम लोग को पूजा करने का नहीं मिलेगा गाड़ी का, कोई मेटालिक सामान होता है वहाँ पे पूजा नहीं होता है। इसीलिए मोटरसाइकिल हो या कार हो जगन्नाथपुरी टेम्पल में पूजा नहीं होता है। हम लोग काली मंदिर जाना है, काली मंदिर जाकर वहाँ पर पूजा कराएंगे, उसके बाद जगन्नाथपुरी जाएँगे, वहाँ पर थोड़ा सा गंदा टिकट करेंगे, उसके बाद मेरा गाड़ी कम्प्लीट हो जाएगा। गाड़ी को पास कराने के बाद मंदिर जाएंगे। सुबह सुबह का व्यू देखिए क्या सही दिख रहा है, समुंदर, सुबह सुबह का नज़ारा। आज सुबह उठ नहीं पाए थे, देखो लहर कितना मस्त आ रहा है भाई। कल यहीं पर मेरा जूता जितना भी जूता है ना सब खत्म हो चुका था, तो आज फिर नया सॉक्स लेकर कल नया चप्पल किने हुए थे, जूता का पूरा भजिया उड़ा दिया था, मानो ना ऐसा हो गया था मेरे को। कितना कन्वेंस करने के बाद वो भी हम लोग का गाड़ी थोड़ा दो रहा है, नहीं तो 9:30 बजे आना पड़ता। फाइनली गाइस मेरा गाड़ी तो आ चुका है, चलते हैं मंदिर के। देख सकते हैं गाइस कितना खोजने के बाद हम लोग को मंदिर पहुंच ही गए, यहीं पर पूजा कराना है। सुनने सुनने जो भी होता है बाइक पूजा करने वाला वो सब लेना पड़ेगा। देख सकते हैं मेरा गाड़ी पूजा हो चुका है, अच्छे से हो गया। आपको देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं मंगला माँ मंदिर मस्त। तो अब यहाँ से हम लोग जाएंगे जगन्नाथपुरी टेम्पल, और बाइक का जो सिनेमेटिक वीडियो है थोड़ा सा इधर उधर हो चुका है, इसलिए कोई बात नहीं। आज का दिन कुछ है यार, कुछ बहुत ज़्यादा ही कुछ है, मस्त गाड़ी पूजा हो गया मिली है, और वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ से जाएंगे हम लोग जगन्नाथपुरी टेम्पल जाएंगे हम लोग बीच, वहाँ पर जाएंगे समुद्र फिर नहाएंगे धोएंगे घूमेंगे फिरेंगे। आज ही का दिन तो ऐसा करना है, यहाँ से राइड हम करेंगे जगन्नाथपुरी टेम्पल तक, उसके बाद फिर से वही चलेगा राइड। फर्स्ट सब पूजा है तो हम चलाएंगे ना, तब उसके बाद ही चलाएगा। फाइनली रीच एट जगन्नाथपुरी टेम्पल, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं।
यहाँ पे अब चलते हैं, दर्शन उर्शन करते हैं। अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, इसलिए हम अंदर का वीडियो नहीं बना सकते। जो भी वीडियो बनाएंगे वो बाहर से बनाना पड़ेगा। और आप लोग एक्सप्लोर कर, अभी अंदर चलते हैं, पूजा से करते हैं, उसके बाद बाहर आते हैं, उसके बाद सिनेमेटिक वीडियो आप लोग को फुल दिखाते हैं। और तो फाइनली जगन्नाथ मंदिर भी दर्शन हो गया है, यहाँ पे देख सकते हैं मंदिर के बाहर हैं अभी हम। कल भी दर्शन किए थे, आज दर्शन दर्शन प्रसाद उत्साह खाकर सब दर्शन से गया। ऐसा हम लोग नहीं सोचे हुए थे कि अंदर हम लोग का दर्शन करने का मिलेगा, पूरा भीतर जाकर हम लोग दर्शन पूरा आशा से किए हैं। और भीड़ लगा हुआ है, आप लोग वहाँ आप देख सकते हैं एक झंडा है वहाँ पे, झंडा वो हमेशा अपोजिट साइड पे ही लहराता रहता है, हमेशा अपोजिट साइड है वो, हमेशा डेली चेंज होता है। और जिस दिन चेंज नहीं होगा उस दिन से 18 साल के लिए बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, इसलिए डेली धाजा चेंज होता है, वो भी उल्टा चढ़ना पड़ता है, उसके बाद ही जाकर धाजा चेंज कर सकते हैं। विष्णु जी का रियल दिल आप लोग को यहाँ पे मंदिर में मिलेगा, जो कि आप लोग को देखने के नहीं मिलेगा, वो अंदर रहता है, थोड़ा दूर से ही आप लोग को देखना पड़ेगा, दर्शन करना पड़ेगा। जो मंदिर है ना, वो कितना भी घाम लगेगा ना, वहाँ पे आप लोग को छाया, उनका मंदिर का छाया नहीं दिखेगा, कहीं पे भी नहीं दिखेगा, इतना मस्त हवा लग रहा है ना इधर, पीछे मत। और भीड़ भीड़ देखिए यहाँ पे, आप लोगों को उधर साइड से दिखाते हैं। तो यहाँ पे तीन मंदिर रखा हुआ है, जगन्नाथ मंदिर, वसुंधरा और एक बलभद्रा, तीनों मंदिर का मूर्ति इसमें रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जो एंट्री पॉइंट है, आप लोगों को मोबाइल सोबाइल अलाउ नहीं होगा, कोई भी मेटालिक सामान आप लोग अंदर नहीं ले जा सकते हैं, सिर्फ आपको जाना है, सिर्फ देकर लेकर जाना है, कैमरे सेमरा कुछ नहीं जाएगा। 11 बजे तक मंदिर खुला हुआ था और 12 बजे मंदिर क्लोज हो गया था अंदर। तो यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं, बहुत मस्त है। यहाँ से आप लोग का कोई भी फ्लाइट जो होता है ना, चिड़िया पक्षी उक्षी कुछ भी नहीं उड़ता है यहाँ पे, एकदम सही है। वहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं, वहाँ पर पुलिस सब चेकिंग करता है मोबाइल सोबाइल अंदर नहीं जाने के लिए। और यहाँ आपका एक बात एकदम सही लगा, एक बहुत सही लगा, यहाँ पे जो भोग बनता है ना प्रसाद, प्रसाद बर्तन में बनता है, जो कि पहले वाला बर्तन में कभी भी नहीं पकता है, पहले वाला सबसे जो ऊपर रहता है वो वाला पकता है प्रसाद, प्रसाद जो रखा था 1, 2, 3, 4, 5 प्रसाद, इसमें जो सबसे ऊपर रहता है ना वो पकता है पहले, उसके बाद छठा नंबर, उसके बाद पाँचा नंबर, चौथा, तीसरा, दूसरा, एक, समझ सकते हैं कितना मतलब यहाँ का सही है। यहाँ का प्रसाद भी इतना मीठा होता है, यहाँ का आकर प्रसाद खा सकते हैं, यहाँ पर आइए इंजॉय कीजिए, बहुत सारी सुकून मिलता है यहाँ पे। यहाँ पर विष्णु भगवान जी का रियल जो दिल है ना, वो यहीं पर रखा हुआ है, जो कि 12 साल में एक बार यात्रा निकलता है, 12 साल में एक बार यहाँ पर इससे यात्रा निकलता है, तो वो भी मूर्ति निकाल कर यात्रा पर धर कर, रंथ पर धर कर उसको यहाँ से स्टार्ट करा जाता है, यहाँ से जाता है, उधर से घुमा कर पूरा लेकर आकर फिर यहीं पर लेकर आते हैं, सही है। के लिए और उसके बाद वहाँ पर लोड हो जाने के बाद ही हम यहाँ से निकल सकते हैं। कल का संडे का टिकट बना रहे हैं, संडे का टिकट बन जाएगा, संडे निकल लेंगे यहाँ से। मेरे पीछे देख सकते हैं जगन्नाथ टेम्पल, हम यहाँ से देख लीजिए कंप्लीट हो गया यहाँ पे, देख सकते हैं बैक साइड सब आ गया है, वहाँ पे है मेरा बाइक, फिर से यहाँ पे कौन सा टा दिया यार, यार
निकलते हैं भुवनेश्वर के लिए। गाड़ी रेडी हो चुका है जाने के लिए। पैसे दे दिया? लेट्स गो। उड़ेगा नहीं क्या? हाँ उड़ेगा।